6 से 7 लाख रुपए का आपका बजट है और इतने प्राइस में आपको एक सेडान कार देख रहे हैं भाई, जो कि देखने में बढ़िया लगती है, स्पेशस कैबिन है। तो मेरा नाम खुशाल कुमार, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं हुंडई ओरा के बारे में। इस गाड़ी का बिल्कुल बेस वेरिएंट रहने वाला है भाई। अगर आप इस गाड़ी की सेट प्रोफाइल देख रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि बेस मॉडल है, लेकिन भाई फ्रंट से और बैक से देखने पर तो कोई इस गाड़ी को बेस मॉडल कहेगा ही नहीं। बैक में आप देख सकते हैं कि आपको उस गाड़ी में LED टेल लाइट मिल जाती है बेस वेरिएंट से, जिस वजह से लुक्स पूरे गजब हो जाते हैं। रोड पे चल रही होगी ना गाड़ी तो भाई बेस्ट लगती है, और इसी तरह आपको उस गाड़ी का इंटीरियर पसंद आएगा। डुअल टोन कलर में रहता है, फिट एंड फिनिश बढ़िया रहती है। एक तो रीजन ये हो गया इस गाड़ी को खरीदने का, एक रीजन ये भी रहता है कि आपको इस गाड़ी में रिफाइंड इंजन मिल जाता है। भाई जिस भी बंदे ने हुंडई की गाड़ी चला रखी है ना, तो फिर भाई वो तो इंजन का फैन ही रहता है हुंडई का। तो ये इस गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल, यहाँ पर आपको हैलोजन हेडलैम्प्स मिल जाएंगे, और इस गाड़ी ग्रिल हुंडई का हो गया, यहाँ पर लोगो रेडिएटर ग्रिल रहेगी इस गाड़ी की मैट ब्लैक में। और अगर आप इस गाड़ी के अपर वेंट की साइड जाएंगे तो आपको यहाँ पर LED आदर जैसे फीचर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। फिर ओवरऑल फ्रंट से देखने में उस तरह की लगती है कार। ये इस गाड़ी की सेट प्रोफाइल, अगर आप बेस मॉडल ले रहे हैं तो भाई कुछ फीचर्स है तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जैसे आपको इसमें व्हील कवर जैसे फीचर्स नहीं मिलेंगे। आप इस गाड़ी के अपर वेंट की साइड जाएंगे तो आपको उनमें इस तरह के फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। 165/60 R14 की प्रोफाइल रहेगी, इंडिकेटर हो गया फेंडर पे। वीरस का RPM ब्लैक कलर में रहता है। मेरा डोर हैंडल्स ये भी आपको ब्लैक कलर के मिल जाएंगे। मेरा इस गाड़ी का इंटीरियर जो कि डुअल टोन कलर में रहने वाला है, देखने में काफ़ी प्रीमियम लगेगा। किस तरह के फीचर्स रहेंगे करके हम सही फीचर्स को देख लेंगे। वार्म स्क्वेजेस करने के लिए आपको यहाँ पर स्टेक मिल जाती है। बी पिलर हो गया बॉडी कलर का, यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है, जिस वजह से भाई गाड़ी देखने में लगती है बढ़िया। फिर भी कंबाइन लुक बैक और साइड प्रोफाइल की, जितनी बढ़िया गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल लगती है ना उतनी बढ़िया आपको बैक प्रोफाइल लगने वाली है। LED टेल लाइट जैसे फीचर्स आपको भाई बेस वेरिएंट से ऑफर हो जाते हैं, जो काफ़ी बढ़िया बात है। ये आप लुक्स देखो गाड़ी के, कोई देखकर यही कहेगा बैक से देखकर कि गाड़ी का टॉप मॉडल है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है बैक से। पुश आउट हो गया एंटेना, यहाँ पर हो गया स्टॉप लैम्प, इस गाड़ी की LED टेल लाइट, इंडिकेटर बैक लाइट में आपको बल्ब मिल जाता है। हुंडई का लोगो हो गया, ओरा की बैजिंग है, यहाँ पर आपको क्रोम लाइन मिल जाएगी, पियानो ब्लैक फिनिश है, दो हो गए पार्किंग सेंसर्स। हो भाई कार की बूट को अनलॉक करने के लिए आपको यहाँ पर की लगाने का ऑप्शन मिल जाता है, फिर कार का जो बूट है वो ओपन हो जाएगा, और एक ऑप्शन आपको इंटीरियर में मिलेगा यहाँ पर, जब उसको पुल करेंगे तो कार का जो बूट है वो अनलॉक होकर ओपन हो जाता है उस तरीके से, जैसे आप देख सकते हैं। और अच्छे साइज का आपको इस कार में बूट स्पेस मिल जाएगा। ये रहा स्पेयर व्हील जो कि सेम प्रोफाइल का रहेगा। तो ये तो बात रही इस कार के एक्सटीरियर के बारे में। जैसे देखा कि आपको कुछ मॉडिफिकेशन कराने की तो भाई ज़रूरत है, अगर आप इस गाड़ी को एक्सटीरियर से देखेंगे तो व्हील कवर साफ लगवा लो, कुछ मॉडिफिकेशन करा लो थोड़ी बहुत, जैसे रिमोट सेंटर लॉकिंग आपको बेस मॉडल में नहीं मिलती है, आपको एक ये कराना है। और कुछ फीचर्स इंटीरियर में कमी रहेगी, जब मैं इंटीरियर में चलूँगा तो कुछ सभी फीचर्स दिखा दूँगा। जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग बताया, जैसे इस गाड़ी का प्राइस 6,50,000 के एक्सशोरूम प्राइस पर ही आपको ये कार मिल जाती है। ऑन रोड आप मान के चलिए आपको 7,20,000 की मिल जाएगी, और डिस्काउंट्स भी वही गाड़ी पे चल रहे हैं तो आपको इजीली 7,00,000 की ये गाड़ी मिल जाएगी। इतने प्राइस में भाई सडन कार आपको मिल रही है तो फिर और क्या चाहिए, जिसके लुक्स भी बढ़िया रहते हैं, बैक प्रोफाइल हो फ्रंट प्रोफाइल हो हर चीज़ बेस्ट रहने वाला है इस गाड़ी का। तो इस कार में आपको 1.2 लीटर का कापा पेट्रोल इंजन मिल जाएगा, जो कि प्रोड्यूस करता है 87 BHP की पावर, 1.17 Nm का टोर्क, 4 सिलेंडर में रहेगी कार, इंजन सेम रहता है जो कि आपको हुंडई i20 हो गया, i10 न्यूज हो गया, और वेन्यू के बेस मॉडल में भी आपको यही इंजन मिलता है। तो चलिए मैं आपको उसका इंटीरियर दिखा दूँ, उस तरह के फीचर्स आपको उस कार के इंटीरियर में ऑफर करे जाएंगे। जैसा मैंने आपको बताया जाए डुअल टोन कलर में इंटीरियर रहने वाला है, देखने में काफ़ी बढ़िया लगेगा, और वही पैटर्न आपको डोर पर दिखाई देने वाला है। वो वार्डिम्स को एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ पर स्टिक मिल जाएगी, डोरों का ब्लैक कलर का। फ्रंट डोर्स के पावर विंडो कंट्रोल्स आपको इस गाड़ी में मिलते हैं, जैसे आप देख सकते हैं बटन स्पेस है, डिफरेंट स्पेस स्पीकर के सिर्फ आपको यहाँ पर जाली मिलती है, स्पीकर या फिर इंफोटेनमेंट सिस्टम, इस तरह के फीचर्स भाई आपको बेस वेरिएंट में नहीं मिलने वाले। अगर आपको इस तरह के बेसिक फीचर चाहिए तो आपको अपर वेरिएंट की साइड अपग्रेड करने की ज़रूरत है। फिर बाहर से देखने में उस तरह का लगेगा इंटीरियर इस गाड़ी का, तो मैं आपको एक बार की दिखा दूँ, उस तरह की मिलती है आपको इस गाड़ी में। फिर इस कार की ड्राइवर साइड सीट, ड्राइवर सीट अटैचमेंट का फीचर है भाई, बेस वेरिएंट से काफ़ी बढ़िया बात है। और एक लाइनिंग का मिल जाएगा कार के बूट को लॉक करने के लिए, और फ्यूल लिड को ओपन करने के लिए मिल जाएगा आपको यहाँ पर।
तो ये इस गाड़ी का बैक डोर, टॉप में ब्लैक कलर का मैनुअली विंडो रहेंगी, बट इस साइड में स्पेस। अब मैं आपको इंटीरियर में चल कर दिखाता हूँ किस तरह का स्पेस वो फीचर्स आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। तो उस तरह का लगता है गाड़ी का इंटीरियर, जैसे आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया लगता है देखने में डुअल टोन होने की वजह से। बस आपको कुछ मॉडिफिकेशन करानी है और होगी भाई आपकी गाड़ी बढ़िया यूज़ के हिसाब से। फिर कोई नहीं बोल सकता है कि भाई इंटीरियर में बैठ के कि गाड़ी का बेस मॉडल है। मेन तो भाई थीम आता है और फिट एंड फिनिश आती है जो कि आपको भाई बढ़िया मिल रही है। बेसिक सा स्टीयरिंग व्हील आपको इस गाड़ी में मिल जाता है, यहाँ पर आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं स्टीयरिंग व्हील पर, जिससे आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। यहाँ पर होगी सेल्फ फिनिश और टिल्ट एडजस्टमेंट आपको स्टीयरिंग व्हील की नहीं मिलेगी। मेरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यहाँ पर गाड़ी पर मीटर या स्पीडोमीटर दोनों ही एनालॉग रहने वाले हैं। और यहाँ पर टेम्परेचर, ये रहा फ्यूल के लिए, और बीच में आपको मिल जाएगी MID, इसमें फ्यूल इकोनॉमी का हो गया, कितना एवरेज दे रही है गाड़ी वो आप देख सकते हैं। करंट भी आपको दिखता रहेगा, करंट एवरेज का, करंट माइलेज का दे रही है गाड़ी। यूजर सेटिंग हो गया, फ्यूल इकोनॉमी, और यहाँ पर सीट बेल्ट रिमाइंडर हो गया, कुछ हो गया इसमें अलर्ट लाइट्स, ये ड्राइवर साइड AC वैंड, सर्कुलर मिल जाएगा यहाँ पर, हेडलाइट के लेवलर, ये रहा भाई हेडलैम्प्स के लिए, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स नहीं है, ये रहा वाइपर्स, ये रहा भाई सेंटर कंसोल इस गाड़ी का, जिसे मैंने आपको बताया भाई बेस मॉडल रहने वाला है। तो फीचर से तो आपको भाई कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, कुछ तो मॉडिफिकेशन आपको भाई करानी पड़ेगी। आफ्टर मार्केट एनफोटेनमेंट सिस्टम हो गया, ऐसे आपको लगवाना पड़ेगा, इसमें आपको सिर्फ हाउसिंग मिलती है, हजारेट का बटन हो गया, AC वेंट्स है, यहाँ पर हो गए AC के कंट्रोल्स, मैनुअल AC रहेगी, 12 वोल्ट को गया पावर सॉकेट, तो स्पेस है, 5 mm ट्रांसमिशन में रहने वाली कार, उस तरह का नोब रहेगा। यहाँ पर हो गए कप होल्डर्स, स्पेस हो गया, ये रहा हैंड ब्रेक, ये ड्राइवर सनवाइजर, टिकट होल्डर हो गया, कैबिन लैंप हैलोजन में, ये रहा IRBM, मैनुअली डिनेट एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी, ये रहा कोडर सनवाइजर, ग्रेवेंडर रहेगा। फिर भी इस गाड़ी की फ्रंट सीट्स आपको मिल जाते हैं फिक्स हेडरेस्ट, सेमी लेदर राइट सीट्स रहेंगी, यहाँ पर आपको लेदर मिल जाएगा, यहाँ पर रहेगा फैब्रिक, यहाँ पर भी आपको स्पेस मिल जाता है। ये रहा भाई ग्लोव बॉक्स इस कार का, काफ़ी बढ़िया साइज का आपको इस गाड़ी में ग्लोव बॉक्स मिल जाता है। ये रहा कोड ड्राइव साइड डोर, डोर हो गया ब्लैक कलर का, पावर विंडो कंट्रोल है, बॉडी स्पेस, डिफरेंस स्पेस, और स्पीकर की ग्रिल रहेगी, हाउसिंग रहती है, बस स्पीकर्स आपको नहीं मिलेंगे, सर आपको बताई दिया। तो ये तो वाजिब फ्रंट सीटर बैठकर, जैसे आप देख सभी बढ़िया फीचर्स, तो ये तो वाजिब फ्रंट सीटर बैठकर, जैसे आप देख उस तरह का लगता है डैशबोर्ड, ज़्यादा फीचर्स तो नहीं है भाई दिखाने को, बेस मॉडल है तो भाई जल्दी इंटीरियर हो गया। अब मैं आपको रेयर सीट पर चल के कंफर्ट चेक करा देता हूँ, क्योंकि भाई सेडान कार लेने का एक रीज़न ये भी रहता है कि लेग रूम अच्छा मिल जाता है, कंफर्ट वाइज अच्छी रहती है, और बूट अच्छा मिल जाता है। अब चलिए फिर रेयर सीट पर चल ही लेते हैं। तो उतना लेग रूम रहेगा इस कार में, लेग रूम हेड रूम बिल्कुल कमी नहीं है, वो रेयर सीट पर बैठे उसका रहेगा डैशबोर्ड इस कार का, कैबिन लैंप आपको भाई फ्रंट में मिल जाता है, और यहाँ पर भी रहेगा हैलोजन में, ग्रैंड हैंडल हो गया, फ्रंट में फिक्स हेडरेस्ट, और भाई आपको बैक में मिल जाते हैं एडजस्टेबल हेडरेस्ट, कोई AC वेंट्स नहीं मिलेंगे, बॉर्डर बोर्ड के लिए स्पेस मिल जाता है सर, तो अपने ब्लैक कलर का मैनुअली विंडो है, बॉर्डर स्पेस, तो भी ओवरऑल सर इसका इंटीरियर जो फीचर्स आपको उस गाड़ी के इंटीरियर मिल जाता है ना, कुछ सभी दिखा दिए